अच्छा है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। चालाक दरोगा। अगरकर चौक में रहने वाले नाई अक्रम भाई की बेटी की शादी थी, मगर नाई का धंधा करके उसके पास इतना पैसा इकट्ठा नहीं हो पाया कि वे अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सके। लिहाजा वो अपनी दुकान से कुछ दूरी पर बनी ज्वेलर्स की दुकान के मालिक दाना भाई के पास कुछ रुपए उधार मांगने जाता है। दाना भाई, मुझे 1.5 लाख रुपए की जरूरत है, आप दे दे तो बेटी की शादी धूमधाम से हो जाए। दे तो दूं, मगर बदले में तुम गिरवी क्या रखोगे, वो पहला बोलो। दाना भाई, मेरे पास कुछ रखने के लिए होता तो मैं उसे बेचकर ही बेटी की शादी कर देता। कुछ गिरवी रख सकते हो तो 1.5 लाख रुपए ले जाओ, नहीं रख सकते तो 1.5 हजार भी नहीं दूंगा। हाँ, ज्वेलर की बात सुनकर नाई को बड़ा दुख होता है कि 30 साल से जानते हुए भी इंसान इंसान पर भरोसा नहीं करता। वो ये बात अपनी बीवी को बताता है तो उसे भी बड़ा दुख होता है। नाई का अपने काम में भी मन नहीं लगता है। वो अपनी दुकान पर जाता है जहां उस एरिया का पुलिस इंस्पेक्टर अपनी हजामत बनवाने आता है। टेंशन में काम कर रहे नाई का अस्त्रा इंस्पेक्टर को लग जाता है। खून रिश्ते देखते ही वो भड़क जाता है। अबे खून निकाल दिया और जी तो चाहता है कि गोली चला दूं। चला ही दो मालिक, कम से कम अपनी बेटी का दुख देखने से तो बच जाऊंगा। क्या हुआ, क्या हुआ तेरी बेटी को? 1 हफ्ते बाद उसकी शादी है, पैसे का बंदोबस्त नहीं हो पाया। दाना भाई ज्वेलर्स के पास 1.5 लाख रुपये मांगने गया था। 30 साल से जानते हैं मुझे, कभी कोई लफड़ा नहीं किया, फिर भी यकीन नहीं। कुछ गिरवी रखने को दूंगा तभी पैसा देंगे, कुछ गिरवी रखने को होता तो बेचकर शादी कर देता, उधार लेने क्यों जाता? तो क्या तेरे पास कुछ भी नहीं है? सिर्फ 50 हजार के गहने हैं, उसमें तो 1.5 लाख नहीं मिलेंगे। तो इन सब लफड़े में तू अपने उस्तरे से मेरे कान काट देगा? हाँ, गलती हो गई दरोगा जी। वहाँ से इंस्पेक्टर सीधा पुलिस स्टेशन पहुँचता है, जहाँ हवालदार उसके कान के पास खून की लाली माँ देख पूछता है, इंस्पेक्टर साहब, ये आपके कान किसने काटे? अरे वो अपना अक्रम नाई है ना, बेटी की शादी की टेंशन में मेरे कान काट दिए। कहो तो 2-4 कंटाप लगा है ससुरे को, अच्छा गले में रोकड़ा रखा हो, ले आए। अरे रोकड़ा कितना होगा बेचारे के पास, पर कह रहा था कि बेटी की शादी के लिए 50 हजार के गहने जमा किए। उस दिन जो पुरानी पिस्तौल हमने पकड़ी थी, लेकर जा और उसे उसके इल्जाम में फंसा कर गिरफ्तार कर लिया। जा। अभी गया और अभी गिरफ्तार कर लाता हूँ इंस्पेक्टर साहब, दोबारा आपके कान के पास उस्तरा ले जाने से पहले 10 बार सोचेगा। और दोनों हवालदार उसकी दुकान पर पहुँचते हैं और पहुँचते ही चिल्लाते हैं, क्यों बे अक्रम, इन्फॉर्मेशन मिली है कि तू पुराने हथियारों की स्मगलिंग करता है? नहीं मालिक, आपको गलत फहमी हुई है, आज तक मैंने कभी पुराना हथियार देखा तक नहीं, स्मगलिंग कहाँ से करूँगा? वो तो तेरी दुकान की तलाशी लेने के बाद ही पता चलेगा। ये क्या है? ये मेरा नहीं है मालिक, मुझे तो पता ही नहीं, ये यहाँ कहाँ से आया? लेकिन हमको पता था, हमारी इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं हो सकती। चल थाने चल, अब जो कहना है साहब से कहना। अरे नहीं नहीं, अबे चल। मैं सच कह रहा हूँ दरोगा जी, मैं इस हथियार के बारे में कुछ नहीं जानता। तो क्या हम जानते हैं? हाँ, तुझे अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे चाहिए थे ना, उसी के लिए तूने ये नया धंधा शुरू कर दिया। हाँ, अब बता केस कब कोर्ट भेजूं? नहीं दरोगा जी, कोर्ट के चक्कर मत लगवाओ, अगले हफ्ते बेटी की शादी है, शादी टूट जाएगी। अगर नहीं चाहता है शादी टूटे तो कुछ ले देकर मामला निपटा दे, चल। कुछ ले देकर? पर मेरे पास क्या है? बेटी की शादी के लिए 50 हजार के गहने रखे हैं ना, उसे ज्वेलर्स के यहाँ रख कर पैसे ले आ, चल। नहीं मालिक, दया करो, फिर
फिर बेटी की शादी का क्या होगा? केस फाइल हो गया तो भी बेटी की शादी का क्या होगा? उससे तो ये सौदा सस्ता है। आखिर इंस्पेक्टर को ना मानते देख नाई अपने घर से बेटी की शादी के लिए बनवाए 50,000 के गहने लेकर ज्वेलर्स के यहाँ जाता है और उनसे 50,000 रुपए लेकर इंस्पेक्टर को दे देता है। अरे दरोगा जी, आइए 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 आइए, नहीं अब आप जेल जाइए जाइए। जय जिनेंद्र, जेल? ये आप क्या कह रहे हैं दरोगा जी? ठीक कह रहा हूँ बे, एक तो चोरी के माल को गिरवी रखकर पैसे देता है, ऊपर से पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं। हाँ हो, मैंने किसे पैसे दिए दरोगा जी? नाई अकरम भाई को। अरे अरे, वो तो उसने कहा ना कि वो गहने उसकी बेटी की शादी के लिए बनवाए थे, उसे रख रहा है। अबे चुप, झूठ बोलता है। तुझे पता नहीं हथियार सप्लाई करने के जुर्म में उसकी गिरफ्तारी हुई है? ए बाबा, ये क्या बोल रहे हो? फिर भी तूने उसके चोरी के गहने पर उसे पैसे दिए ताकि वो जेल जाने से बच जाए। मतलब चोरी के गहने के साथ साथ तुझ पर दूसरा इल्जाम भी लगेगा, उसके साथ साथ जरूर तू भी हथियार सप्लाई की स्मगलिंग में लगा हुआ है। हाँ? ए, ए, नहीं रे बाबा, नहीं नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं दरोगा जी? मैं तो अबे चुप चुप, तभी तूने उसे बचाया। कोर्ट में ये बात तुझे मुजरिम साबित करने के लिए काफी है। बेटा अब तो तू दुकान समेत गया 12 के भाव में। अरे नहीं 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 मालिक, नहीं मालिक, ऐसा मत करो, कुछ ले देकर मामला रफा दफा करो ने। कुछ में क्या होगा? हाँ केस में बहुत कुछ है। तो भाई बहुत कुछ लेकर मामला रफा दफा कर दो ने। ठीक है, वैसे तो 3,00,000 लेता हूँ, पर तो इस बाजार का पुराना जवेरी है, इसीलिए 2,00,000 में रफा दफा कर दो। क्या निकाल 2,00,000? क्यों नहीं क्यों नहीं, अभी लो अभी लो लो, सामड़ो सामड़ो, पर मामला रफा दफा कर देना दरोगा जी। हाँ ये ले तेरे 50,000। दरोगा जी, मतलब आप मुझे छोड़ रहा हूँ? और तू ज्वेलर्स के पास 1,50,000 मांगने गया था ना, उसने नहीं दिए था ना, ये देखो 2,00,000 उससे लेकर आया हूँ, ये भी ले जा और धूमधाम से अपनी बेटी की शादी कर। जा। ये आप क्या कह रहे हैं दरोगा जी? सही कह रहा हूँ। अरे तुम लोग इतनी ईमानदारी से हमारी, उस ज्वेलर्स की, सबकी सेवा करते हो, फिर भी बेटी की शादी के लिए कमबख्त 1,50,000 के लिए तुम पर विश्वास नहीं कर रहा था। तब 1,50,000 दे दिया होता तो अभी 2,00,000 नहीं देना पड़ता, वो तो तुझे वापस करना पड़ता। ये वापस भी मत करना, जा बेटी की शादी धूमधाम से कर। रख ले भाई रख ले, हम पुलिस वाले तुम भोली भाली जनता की सेवा के लिए ही तो हैं। जय हिंद। धन्यवाद दरोगा जी, आज आपको देखकर एक बात समझ में आ गई है, जो लोग हमेशा आम लोगों की नजरों में बुरे बने रहते हैं, हकीकत में दिल से वो सबसे अच्छे होते हैं। सैल्यूट टू वॉलंटियर।